मुरादाबाद में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में जयंती समारोह कार्यक्रम के मौके पर सभी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम सब एक दूसरे की मदद करने का काम करें। अहिल्याबाई होलकर का भी यही संदेश था कि हम सभी को शिक्षित करें और अपने समाज के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सबको उन्हीं के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। इस दौरान कार्यक्रम के बारे में आयोजकों द्वारा बताया गया कि आज हम पंचायत भवन में जयंती समारोह कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें सभी आयोजन समिति का भरपूर योगदान रहा है। आज धनगर वंशीय माता श्री देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जयंती है। उसी कार्यक्रम को यहाँ हमारे मुरादाबाद मंडल के जो हमारे साथी हैं, जिनमें सूरजपाल जी हैं, कृपाल जी हैं हमारे, और सब लोग हैं, हम मना रहे हैं। और बहुत 298वीं जयंती है और इसको हम धूमधाम से मना रहे हैं। उनके कार्यों का हम यहाँ बखान कर रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं। कार्यक्रम क्या किया गया है? कार्यक्रम तो यही रहा है, हमारे पंचायत सभागार में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव-गांव से लोग आए हुए हैं और सब देवी जी के बारे में कुछ जान रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। और इन्होंने, मैं बता दूं कि जब इंदौर की ये महारानी रही हैं तो इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा मतलब कार्य किया है। और हमारा, इनके ससुर मल्लारा होलकर जी थे वो, तो उनका अटक से कटक तक तलवार पर जो है हमने कई स्टेट जीते हैं। और लेकिन अब समय आ गया है कि अब तलवार नहीं, अब संविधान का समय है। अब हम संविधान को पढ़ रहे हैं और उसी से हमारा समाज की तरक्की का रास्ता देख रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार भी अभी रुका हुआ है, कुछ कुछ सरकार की तो दिक्कत है। हम धनगर जाति के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज यहाँ प्रतिनिधि भी आ रहे हैं हमारे यहाँ, जनप्रतिनिधि हमारे ठाकुर सर्वेश सिंह जी आ रहे हैं और विधायक जी भी आएंगे, तो हम उनसे अपनी बात रखें कि वो हमें जो हमारी समस्याएं समाज की, वो समस्या को दूर कराएं।